खाम में राइट डिसाइड इन उलाम सुला तो लाइक चार बॉडी रिपेल ईच अदर लाइक चार बॉडी रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर ना जैसे दो बॉडी है दोनों पर होते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे दूर फेंकेंगे ना ठीक है एक दूसरे को दूर फेंकेंगे और जैसे दोनों पर नेगेटिव है तब भी एक दूसरे को दूर फेंकेंगे ठीक है तो ये फोर्स क्या होगा रिपल्सिव फोर्स हो गया ना दोनों को पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तभी रिपल्सन लग रहा है नेगेटिव चार्ज है तभी रिपल्सन लग रहा है लेकिन एक पर मानते हैं पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है तो क्या होगा एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे को क्लोज लगेंगे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अट्रैक्शन लगेगा तो जैसे अनलाइक चार्ज बॉडी है तो अट्रैक्ट होता है और लाइक चार्ज बॉडी क्या होता है रिपल्सन लगता है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स का मान किस पर डिपेंड करेगा जैसे बॉडी पास पास है तो ज़्यादा फोर्स से रिपल करेंगे ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेंगे दूर दूर है तो कम फोर्स अट्रैक्ट या रिपल करेंगे तो कहने मतलब रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स इस फोर्स को क्या करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करें इन जनरल क्या कहेंगे इस रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है और डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है और किस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा रिपल्सन लगेगा ज़्यादा कम चार्ज होगा तो कम रिपल्सन लगेगा कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये किस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2 पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस बिटवीन देम ना इनके बीच क्या डिस्टेंस इस पर डिपेंड करेगा ना तो ये कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में कुलाम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया किसके लिए है बताइए पॉइंट चार्ज के लिए किसके लिए है इनका जो ला है किस पर अप्लाई होगा पॉइंट चार्ज मतलब साइज ऑफ बॉडी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस पॉइंट चार्ज क्या मतलब है साइज ऑफ बॉडी इन चार्ज बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस ठीक है तो जैसे मानते हैं कि साइज ऑफ बॉडी क्या है 2 मिलीमीटर है एक बॉडी का साइज क्या 2 मिलीमीटर है दूसरे बॉडी का साइज क्या 1 मिलीमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस क्या 5 मीटर है तो 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इन नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 5 मीटर ना 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे 5000 मिलीमीटर होंगे ना है अगर 5000 रुपीज़ आपके पास है उसमें से 1 रुपया गिर जाता है तो कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा है ठीक है तो कहने वाला 1 रुपीज़ कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू 5000 रुपीज़ ना ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पर है अगर साइज ऑफ चार्ज बॉडी जो है नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस है तभी अप्लाई होगा और तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं पॉइंट चार्ज कहते हैं क्या कहते हैं पॉइंट चार्ज और दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन ये स्टेशनरी चार्ज होते हैं कैसे चार्ज होंगे स्टेशनरी है अगर मूविंग चार्ज होगा तब फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा है जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा ठीक है तब रेडिएटिंग फोर्स चेंज हो जाएगा रेडिएटिंग फोर्स क्या होगा चेंज हो जाएगा तो ये स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल अप्लाई होता है ठीक है और पॉइंट चार्ज पार्टिकल लगेगा ये दो कंडीशन है अच्छा ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है किस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 का मान बढ़ाते जाए तो चार्ज का फोर्स का मान क्या होगा बढ़ता जाएगा अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाए तो फोर्स का मान क्या होगा बढ़ता जाएगा जैसे Q1 का मान 2 माइक्रो कूलम कर देते हैं Q2 का मान 3 कर देते हैं फोर्स मेजर कर लेते हैं फिर Q1 का मान 5 कर देते हैं Q2 का मान 10 कर देते हैं फिर मेजर करते हैं Q1 का मान आप 15 कर दीजिए Q2 का मान 30 कर दीजिए फिर मेजर कर लीजिए तो देखिएगा जैसे जैसे चार्ज बढ़ाइएगा Q1 Q2 का मान बढ़ाइएगा फोर्स का मान क्या होगा बढ़ेगा और ये जो चेंज है इन्होंने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ये जो फोर्स ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस दोनों पॉइंट चार्ज पर मैग्नीट्यूड जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके प्रोपोर्शन मिलेगा ये रिलेशन कैसा मिलेगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्यू वन क्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। ये चीज हमने देखा ठीक है। अब दूसरा क्या देखा, जैसे डिस्टेंस अगर हम टू टाइम कर देते हैं, अब डिस्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये तो चार्ज इफेक्ट हो गया। डिस्टेंस इफेक्ट क्या देखा, अगर हम डिस्टेंस टू टाइम कर देते हैं तो इन्होंने देखा कि फोर्स क्या हो जाता है, वन बाई फोर हो जाता है। फोर्स क्या हो जाता है, इनिशियल फोर्स का क्या हो जाता है, वन बाई फोर ना ठीक है। जैसे मानते हैं कि एक मीटर के डिस्टेंस पर फोर्स कितना है, 100 न्यूटन है। अगर आप 2 मीटर कर दीजिएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन हो जाएगा है ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो है अगर हम डिस्टेंस 3 टाइम कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, 1/9 हो जाता है, 1/9 हो जाता है। इनिशियल फोर्स का क्या हो जाएगा, 1/9 ठीक है। अगर डिस्टेंस 4 टाइम करेंगे तो डिस्टेंस 4 टाइम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, 1/16 हो जाएगा है। तो देखिए डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं तो फोर्स का मान बढ़ रहा है और कैसे कम हो रहा है, और कैसे कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो रहा है ना ठीक है। आप डिस्टेंस 2 टाइम कर रहे हैं तो फोर्स 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर हो गया है, और 3 टाइम कर रहे हैं तो 1/9 मतलब 1/3 स्क्वायर हो गया। 4 टाइम कर रहे हैं तो 1/16 मतलब 1/4 हो गया, 1/4 स्क्वायर हो गया। अगर आप तो यह फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज बॉडी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये चीज उन्होंने पॉइंट किया ना ठीक है। अब ये दोनों रिजल्ट को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, दोनों रिजल्ट क्या करें, कंबाइन कर ले रहे हैं। तो कंबाइनिंग रिजल्ट 1 एंड 2 जो इनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इन्होंने क्या किया है, इसको कंबाइन कर लिए, कंबाइन कर लिया। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 कंबाइनिंग 1 एंड 2 तो 1 2 को कंबाइन करिएगा, कंबाइन करिए तो क्या मिलेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U1 U2 अपॉन R स्क्वायर ये मिलेगा है ना ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आप ये इनका स्टेटमेंट है, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट ठीक है तो अब जो है इस प्रोपोर्शनल साइन पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है, इस प्रोपोर्शनल साइन पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे या फिर एक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यह इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स Q1 Q2 R2 के टाइम्स Q2 R2 इस प्रोपोर्शनल साइन पढ़ा, ये प्रोपोर्शनल साइन है ना, इस प्रोपोर्शनल साइन पढ़ाने के लिए कांस्टेंट के यूज करते हैं। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, कूलम्ब कांस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, कूलम्ब कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, कूलम्ब कांस्टेंट कहलाएगा ठीक है। कूलम्ब ने एक्सप्रेशन दिया था इसलिए इस कांस्टेंट का नाम कूलम्ब कांस्टेंट रखा गया ठीक है। अब इस कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है किस पर डिपेंड करेगी है, कूलम्ब कांस्टेंट के की जो वैल्यू है ये यूनिट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ चार्ज और यूनिट ऑफ डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, के की वैल्यू यूनिट ऑफ चार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड मीडियम इन विच टू चार्जेज आर प्लेस्ड और किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम जिस मीडियम में 2 चार्ज रखे गए हैं। तो के की वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ चार्ज यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड मीडियम इन विच दिस 2 चार्जेज आर प्लेस्ड ठीक है। ये 2 चार्ज जिस मीडियम में रखेंगे उस पर डिपेंड करेगा ठीक है। तो चलिए तो ठीक, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिस्टम में एक वैल्यू लिखेंगे। तो सीजे सिस्टम एक वैल्यू हम सीजे सिस्टम में लिखते हैं ठीक है। सीजे सिस्टम, तो सीजे सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजे सिस्टम, तो बताओ यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजे सिस्टम क्या होता है, सीजे सिस्टम में चार्ज यूनिट क्या होती है सना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज ये, और दूसरा क्या है, एक तो ये होता है, एक दो यूनिट हमने बताया था सीजे सिस्टम में चार्ज के 2 यूनिट बताए, यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक यूनिट और बताया था मैंने,
एक ईएमई बताया था, ये क्या बताया था है? एक ईएमयू, एक ईएसयू, ये क्या बताया था? एक ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज को स्टेट कूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेट कूलम ना, ठीक है। और एक कूलम की वैल्यू क्या होती है? 3×10⁴9 स्टेट कूलम होता है, है? और दूसरी यूनिट क्या होता है? सिक्स यूनिट ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। 1 ईएमयू की वैल्यू क्या होती है? 10 कूलम होता है। 1 ईएमयू की वैल्यू क्या होता है? 10 कूलम ना, ठीक है। ये सब बताया था मैंने। इसमें चार्ज को किससे मेजर कर रहे हैं? हम चार्ज को स्टेट कूलम में मेजर कर रहे हैं। किससे मेजर कर रहे हैं? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या चीज है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। बट स्टेट कूलम, स्टेट कूलम इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। मैंने चार्ज को सीजीएस सिस्टम में मेजर किया जा रहा है। और अच्छा, सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? काय ने मान है? सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? बताओ। 10 सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता है? हाँ, तो डिस्टेंस आर किसमें मेजर किया जाएगा? सेंटीमीटर। आर सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। हमारे ये दोनों चार्ज कहाँ रखे गए हैं? ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे, कहाँ रखे गए? वैक्यूम में, ठीक है। जैसे एक चार्ज है, एक चार्ज है, तो इनके बीच का मीडियम कैसा है? है, जैसे एक चार्ज है, एक चार्ज है, इनके बीच क्या फील है? ये दो चार्ज है तो इनके बीच कैसा मीडियम है? ये जैसे दो चार बाड़ी, तो इसके बीच क्या भरा है? जैसे ये दो बाड़ी, इसके बीच क्या भरा है? बताओ। एयर नहीं है यहाँ, एयर नहीं भरा है, है? क्या भरा है यहाँ? इनके बीच क्या है? इन दोनों के बीच क्या है? एयर। अच्छा, इनके बीच वैक्यूम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब मीडियम इन बीच दे दें दो मटेरियल पार्टिकल ना, मैंने सारी हटा दीजिए तो वैक्यूम हो जाएगा, है? और तीसरे बात ये है, ये है तो आप बताइए इनके बीच का मीडियम क्या है? जैसे एक दो चार बाड़ी है, इनके बीच का कौन सा मीडियम है? एक चार बाड़ी ये वाली पेन है, दूसरी चार बाड़ी ये वाली पेन है, तो दोनों चार बाड़ी के बीच कैसा मीडियम है? ये एयर है, एयर है, क्या है? एक क्या है? किसका बना है? लकड़ी का। लकड़ी तो लकड़ी हुआ ना, वुड हुआ, क्या हुआ? इनके बीच का मीडियम क्या हो गया? वुड हो गया, है ना, ठीक है। तो वुड हो गया। और जैसे मानते हैं इनके बीच का मीडियम क्या होगा? पेपर। पेपर नहीं हुआ, ठीक है। तो इनके बीच का हम मीडियम क्या रख रहे हैं? वैक्यूम रखते हैं। क्या रख रहे हैं? वैक्यूम, ठीक है। मीडियम जो है वैक्यूम रखते हैं। तो वैक्यूम मीन्स देयर इज नो मीडियम बिटवीन चार बॉडीज, वैक्यूम, ठीक है। तो इस केस में के का मान कितना होगा? इस केस में के का मान जो है, के की जो वैल्यू होती है 1 होती है। कितना होता है? 1। कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है? 1। किस केस में? इफ चार्ज इज मेजर्ड इन स्टेट कूलम्ब, दैट इज सीजीएस सिस्टम, एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, एंड चार्जेज आर प्लेस इन वैक्यूम। चार्ज कहाँ रखे गए हैं? वैक्यूम में, है ना। तब फिर के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, है। देखिए फाइनल चल रहा है, बढ़ जाओगे बढ़। अरे अरे अरे,
चलिए देखें तो इसके अंदर के कमांड वर्ड हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब यहां के प्लेस पर वन रख देते हैं, इसमें क्या करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन फोर में के प्लेस क्या रखेंगे, वन रखेंगे, मतलब पांच की वैल्यू वन हो गया ना, तो यहां वन रख दीजिए। अच्छा ये फोर्स वैक्यूम में है इसलिए एफ जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैक्यूम में है इसलिए एफ नॉट या एफ जीरो लिखते हैं, ठीक है। एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जीरो की वैल्यू हो जाएगी क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम हो गया। तो ये फोर्स किसमें बताइए, अच्छा ये फोर्स डाइन में आएगा, किसमें आएगा, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स यूनिट क्या होती है, डाइन, सीजीएस सिस्टम में फोर्स यूनिट क्या होती है, डाइन। तो ये रिलेशन जो है डायरेक्टली गिव्स फोर्स इन डाइन, ये रिलेशन क्या करेगा, डायरेक्टली गिव्स फोर्स इन डाइन ना। तो ये जो रिलेशन है किसमें बताइए, वैक्यूम में और सीजीएस सिस्टम में है ना, ये जो रिलेशन आपने लिखा है वैक्यूम में लिखा है और सीजीएस सिस्टम में लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद केस टू वाले केस देखे, जैसे चार्ज जो है हम एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं, किसे मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में, तो यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम, अरे वाह, एसआई सिस्टम में चार्ज यूनिट क्या होती है, जीरो, जीरो, तुम बताओ क्या एसआई सिस्टम में चार्ज यूनिट क्या होती है, चार्ज यूनिट यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम सेंटीमीटर, क्यों यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम, देखिए कहीं लिखा है, यूनिट ऑफ चार्ज कहाँ लिखा गया, यूनिट ऑफ चार्ज सिस्टम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम, जल्दी बताइए, साथ साथ देखो ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज को नाम लिखा नहीं है, तो एक आना ठीक है, एक का कर है पढ़ाई खत्म मालूम होगा है, और लिख रहा हूं एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ चार्ज एसआई सिस्टम क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम, तो Q1 Q2 किस में मेजर किया जाएगा, कूलम में मेजर किया जाएगा, किस में मेजर किया जाएगा, कूलम में, और डिस्टेंस आप किस में मेजर करोगे बताइए, एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एसआई सिस्टम क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एसआई सिस्टम, सुनो तो बाबा, अरे वाह, कूलम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, हां एसआई सिस्टम में बताओ, सीजीएस सिस्टम से भी डिस्टेंस, हां डिस्टेंस किस में मेजर, मीटर में मेजर होता है, किस में मेजर होता है, मीटर, मीटर, एसआई सिस्टम में यूनिट हो गया मीटर को, है ना, ठीक है। और मीडियम क्या रखना है, वैक्यूम, मीडियम क्या रखना है, वैक्यूम, ठीक है। तो इस केस में के का जो मान होता है कूलम पर सेंटीमीटर वाला होती है 1/4πε0 होता है, कितना होता है 1/4πε0 है, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू है 9 × 10⁴9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम -2 हो जाता है, कूलम -2 है, ठीक है। तो कूलम कांस्टेंट, अरे कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ये होगा एसआई सिस्टम, ठीक है। और वैक्यूम जैसे एक देखिए फोर्स तो कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर है, ये भी कांस्टेंट है। अब एप्सिलॉन नॉट एक नई फिजिकल क्वांटिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी ना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नई क्वांटिटी आ गई है जो कि एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसे क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या सिंपली परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह दिया जाता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है बताइए, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 8.85 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू 8.85 इनटू 10^(12) न्यूटन कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस वन मीटर माइनस टू होता है, कूलम स्क्वायर इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस वन मीटर माइनस टू हो जाएगा, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो इसको क्या रीड करते हैं बताएं, ये चीज़ क्या रीड होता है, एप्सिलॉन जैसे ये ग्रीक लेटर है, इसे क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन 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 क्या पढ़ा जाता है, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन है। ठीक है, अब इसमें जीरो लिखा है इसलिए एप्सिलॉन जीरो पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा जाता है, रीड एज, रीड एज, ये रीड इसको स्टेप से रीड किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या बताता है बताइए, ये जो है जैसे अगर हम कोई मीडियम फिल कर देते हैं दो चार पार्टिकल बीच, तो फोर्स का मान कम हो जाता है, फोर्स का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, व्हेन वी फिल अ मीडियम डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू चार पार्टी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूसेस, क्यों रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मीडियम आप फिल करते हैं वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है और इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्जेस। ठीक है, जो चार्ज आपने रखा है उसके वो जो फील्ड दे रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या करता है, फील्ड को रिड्यूस कर देता है और इसलिए फोर्स को रिड्यूस कर देता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड बाय व्हिच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिड्यूस्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितने मैग्नीट्यूड से रिड्यूस हो जाती है, इस चीज़ को मेजर करता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड बाय व्हिच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिड्यूस है। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिफिकेशन को कम कर रहा है, मैंने ज़्यादा अगर चार्ज होगा, ये ज़्यादा चार्ज होगा मीडियम में, ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा फील्ड को रिड्यूस करेगा, कम चार्ज होगा तो कम फील्ड को रिड्यूस करेगा ना, तो कहने मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इट मेजर मैग्नीट्यूड बाय व्हिच मीडियम है इलेक्ट्रीफाइड ना, ये मीडियम जो है कितने मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, इस चीज़ को मेजर करता है। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मेजर बाय मैग्नीट्यूड बाय व्हिच वैक्यूम कैन बी इलेक्ट्रीफाइड। परमिटिविटी क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, जितने मैग्नीट्यूड से वैक्यूम को आप इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी मेजर मैग्नीट्यूड बाय व्हिच वैक्यूम कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, वैक्यूम कितने मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, इस चीज़ को मेजर करता है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसकी वैल्यू क्या करते हैं, 10^(12) ऑर्डर की है, कितना है, 10^(12) इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 10^(12) क्या बताए, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है ना, इसके बाद क्या होगी पॉइंट, फिर 11 जीरो लगाइएगा, फिर 1 लगाइएगा, है बेटा है, वहाँ का जा रहा है, इधर आओ, है देखें, तो दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी ना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी मतलब वैक्यूम कैन बी इलेक्ट्रीफाइड, वैक्यूम इज नियरली इंसुलेटेड, वैक्यूम क्या होता है, इसको चार्ज आप नहीं कर सकते हैं ना, है इसको आप चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है,
इसका जो चार्जिंग है बहुत कम है, इलेक्ट्रिक इसमें जो है इलेक्ट्रिक पर थोड़ी चार्जिंग होती बहुत कम होती है, ठीक है। तो वैक्यूम को हम बहुत कम वैक्यूम से इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, या कह लीजिए वैक्यूम कैन नॉट बी इलेक्ट्रीफाइड, ठीक। तो चलिए अब हम ये फार्मूला ये वैल्यू जो है यहाँ पर लगा देते हैं इसमें, तो आपको कूलम्स फार्मूला मिल जाएगा इन वैक्यूम और एसआई सिस्टम ना, आपको क्या मिल जाएगा कूलम्स फार्मूला या कूलम्स का इन वैक्यूम और एसआई सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है, वाटर हो सकता है। तो हम जनरल लिखते हैं इनको एनी गैलेक्टिक मीडियम केस थर्ड है, केस थर्ड केस थर्ड में जो है क्यू वन क्यू टू क्या करें एसआई सिस्टम में मेजर करें, गुलाम में मेजर करें, किस में मेजर करें गुलाम एसआई सिस्टम, ठीक है। क्यू वन क्यू टू को एसआई सिस्टम में मेजर करें, आर को किस में मेजर करें मीटर, और मीडियम क्या करें बताएं एनी मीडियम कोई भी मीडियम रखते हैं। तो इस केस में जो के की वैल्यू होगी के की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, फोर पाई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन। तो जैसे एप्सिलॉन जीरो जो था वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को बता रहा था, एप्सिलॉन क्या बता रहा था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को बता रहा था, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन इसमें कोई सिंबल नहीं लगा ना, इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगा है, नहीं सफिक्स नहीं लगा, प्रीफिक्स तो पहले होता है फिर मैंने पहले है, ठीक है। ये इसमें कोई सफिक्स नहीं लगा ना, जैसे इसमें सफिक्स लगा जीरो, सफिक्स जीरो लगा है, ये पर्टिकुलर मीडियम वैक्यूम को बता रहा है ना, इसमें कोई भी सफिक्स नहीं लगा है, ठीक है। तो ये एनी मीडियम को बताएगा, मीडियम मे बी वाटर मे बी मे बी पेपर मे बी वुड है मे बी एयर कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाएगा, क्या कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो क्या था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या अच्छा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए एप्सिलॉन क्या चीज है बताइए, एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हम ला करते हैं इसमें के की, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर में रख देते हैं, जनरल इक्वेशन आप गुलाम सुना रहे हैं इसमें रख देते हैं के की वैल्यू। तो जब इसमें इसमें के की वैल्यू रखेगा तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, मतलब फोर्स आपको हो जाएगा वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, क्या हो गया जनरल फार्मूला ना। तो ये फार्मूला जो है एसआई सिस्टम में ये फार्मूला किस में होते हैं, दिस फार्मूला इन इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में है और किस में होते हैं एसआई सिस्टम और एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है एनी मीडियम, ठीक है। तो ये कूलम्स का फार्मूला हो गया है, तो इस टाइप से कूलम्स के तीन फॉर्म आपने लिखा है ना, कूलम्स के तीन फॉर्म लिखा है, एक सीके सिस्टम एंड वैक्यूम, एक एमके सिस्टम एंड वैक्यूम, एक एडी सिस्टम सॉरी एसआई सिस्टम एंड वैक्यूम,
ठीक है, ये ना तो देखिए बस। हाँ तो ये तो कूलम्ब स्लाब हो गया। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट आइडिया लिखे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे काफी कड़ी किया गया। स्टेटमेंट आप कूलम्ब स्लाब का लिख लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट पूछा था है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, देख कूलम्ब स्लाब का स्टेटमेंट क्या बनेगा है। देखिए ये जो रिजल्ट है इक्वेशन, ये जो रिजल्ट है ये स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब स्लाब है। इसी रिजल्ट को आपको लिखना है, इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को आपको वर्ड में लिखना है। इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को वर्ड में लिख दीजिएगा, दैट बिकम स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब स्लाब। तो देखिए ये पार्ट रखते हैं,